अभी अहम खबर दें आपको, कौमी असम्बली का इजलास 18 अक्टूबर को बुलाने का फैसला किया गया है। कौमी असम्बली इजलास 18 अक्टूबर को सुपहर 3 बजे तलब किए जाने का इम्कान है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जर्नलिस्ट आसिफ बशीर चौधरी। आसिफ बशीर चौधरी, क्या 26वीं तरमीम जो है, आईनी तरमीम 18 अक्टूबर को ही पास की जाएगी, सुबह काबीना का इजलास होगा, असम्बली में पेश की जाएगी? जो सूरत हाल है वो सामने आई है आईनी तरामीम के हवाले से, और एक मरतबा फिर एक कोशिश की जा रही है आईनी तरामीम को पास कराने के लिए, और 18 अक्टूबर को कौमी असम्बली का इजलास जो है वो बुलाने का फैसला किया गया है। और जो इंतहाई अहम जराए हैं हमारे नेशनल असम्बली के, वो ये दावा कर रहे हैं कि 18 अक्टूबर को शाम 3 बजे इजलास होगा, और तहम इस हवाले से अभी ये बात नहीं बताई गई कि क्या 18 तारीख को ही मुसवदा जो है आईनी तरामीम का वो ऐवान में पेश होगा, या इसमें कोई आइंदा आने वाले किसी दिन में ये इजलास एजेंडे में शामिल इजलास के एजेंडे में से शामिल किया जाएगा। तहम ये बात तय है कि आईनी तरामीम के मामले पर ही इस अहम इजलास को बुलाया जा रहा है, और इजलास 18 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगा। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ चौधरी।